बीजेपी का पास रुपया लेके, बीजेपी का पास रुपया लेके और वो कहते हैं कि मुस्लिम को वोट तोड़ देंगे। हम बोला तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम बीजेपी को लिए तुम मुस्लिम का वोट तोड़ देंगे। हम आज आइए आज वादा करें, ये मई महीना में अप्रैल महीना है, एक साल में हमारा इलेक्शन है, देश में कौन आएगा कौन नहीं आएगा तो फैसला लीजिए, पूरा देश भर फैसला कीजिए। और जितना भी आपको आदमी बाहर में काम करते हैं और 24 का चुनाव में सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, सबको अपना घर में बनाना चाहिए। अगर लोकतंत्र चला जाए तो सब चला जाए। आज कॉन्स्टिट्यूशन बदल हो रहा है, आज इतिहास बदल हो रहा है। बोलता है मीडिया वेल पीएम उठा दो, आज बोलते हैं इतिहास बदल दो, देश का संविधान बदल दो। जो भी मर्जी करते हैं फिर एनआरसी लेके आया। मैं बोला मैं तो नहीं करने देगा, और कोई स्टेट में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, मैं तो करने नहीं देगा। देश का लीडर कैसा होता है, पूरा देश का जो लीडर होता है ऐसा तोड़ फोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। एक टाइम भी हुआ है, हम लोग को बहुत तंग किया है, हम लोग को अभी भी बहुत तंग करेगा, बहुत तंग कर रहे हैं सबको, बहुत तंग हो रहा है। हम तो अल्लाह ताला के पास दुआ मांगेंगे, अल्लाह दुआ करो इसको हिम्मत अब रुक दो, इसको दादागिरी अब रुक दो, इसको झुमला अब रुक दो, इस बोलता है टोक दो टोक दो, क्या टोक दो? अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएगा तो तुम्हारा चिड़ारी गिर जाएगा, टोक दो टोक दो चला जाएगा। आने वाला टाइम में एक टाइम में भेंट होगा तो हम कुर्सी चेंज करके ही करेंगे, उसको चेंज करके ही। बहुत बहुत धन्यवाद, खुदा हाफिज़।